दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बॉडी पर टैटू बनवाए हैं? क्या आपके शरीर पे कोई भी टैटू है? अगर है तो फिर आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा, और अगर नहीं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग टैटू के पीछे पागल क्यों हुए पड़े रहते हैं? हिंदुस्तान में भी आजकल टैटूज को लेकर बहुत क्रेज है। आपको याद दिला दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के टैटू हैं। उनका कहना है कि ये टैटू उन्हें इंस्पायर करते हैं बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। क्या सच है कि ये टैटू आपको इंस्पायर करते हैं? ये टैटू आपसे कुछ कहते हैं? क्या है आजकल के टैटू का नया ट्रेंड? कैसे बनाया जाता है 3D टैटू? ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। आपको बस देखते रहना है हमारे इस वीडियो को अंत तक। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कॉकरोच से तो ज्यादातर लोग डरते हैं। ये छोटा सा जीव है लेकिन लोगों के मन में इसके लिए बहुत डर है। लड़कियां तो खास तौर पे कॉकरोच से प्यार करती हैं, डरती हैं। लेकिन इन लड़के लड़कियों को देखिए, गॉड नोज इनके मन में क्या विचार आया कि इन्होंने अपने सर पे ही कॉकरोच का टैटू बनवा लिया। ये देखिए किस तरह पहले ये दोनों तरफ से टकला हो गया, उसके बाद इसने अपने सर पे कॉकरोच को बैठा लिया है। इसे देखकर हंसी भी आ जाती है और दुख भी होता है कि आखिर क्या सोच के भाई तुमने ये हरकत की है। मे भी लड़कियों ने इसका बहुत काटा है और हो सकता है अब इसके मन में लड़कियों के खिलाफ बदले की भावना भड़क रही हो। लेकिन एक बात तो तय है कि आर्टिस्ट ने बहुत कमाल का काम किया है। सर के ऊपर कॉकरोच बनाना, वो भी इस डिटेलिंग के साथ, आसान काम नहीं है। तारीफ तो बनती है इस लड़के की, नहीं इसके सर पे कॉकरोच बनाने वाले आर्टिस्ट के। फ्रांस के आर्टिस्ट पॉल आजकल डार्क टैटू बनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। इनके द्वारा बनाए गए टैटू इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि एक बार जब आप इन टैटू को देखते हैं तो आपकी नजरें इन टैटू से नहीं हटती हैं। ये डार्क टैटू कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट शेड। इस टैटू के द्वारा लोग अपना स्ट्रगल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो वर्ल्ड में ये शो करना चाहते हैं कि डार्क टैटू वाले लोग दूसरों से कैसे अलग हैं। इनकी सोच सबसे डिफरेंट होती है। दोस्तों, आजकल टैटू स्टाइल का तरीका हो गया है। पॉल न सिर्फ डार्क टैटू ही बनाना जानते हैं बल्कि हॉरर टैटू भी ये कमाल का बनाते हैं। ये देखिए इनके द्वारा बनाए गए कुछ हॉरर टैटूज। देखकर ऐसा लग रहा है मानो भूत सामने ही खड़ा हो। रात में अगर कोई छोटा बच्चा इन टैटू को देख ले तो सुबह तो रोता ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ आर्टिस्टिक वर्क देखिए। हालांकि कुछ ही दिनों पहले इन्होंने एक लड़के के सिर पर ब्रोकन हेड का इमेज तैयार किया था, जिसे दूर से देखकर कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये टैटू है। दोस्तों, इसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारी तरह फिट नहीं हैं। उन्हें कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। आपको पता होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके चेस्ट में होल होता है। जब वो कपड़े उतारते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इनको देखिए, इन्होंने अपने चेस्ट के होल में ही एक शानदार टैटू बना लिया है, जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है। चेस्ट में होल और उस होल के ऊपर ये होल वाला टैटू। क्या आपने कभी इल्यूजन वाले टैटू को देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। ये हैं एक स्पेनिश आर्टिस्ट जो कि तैयार करते हैं इल्यूजन वाले अनोखे टैटू। हाथों में ये डीप लेयर, कौन कह सकता है कि ये टैटू है? ऐसा लगता है मानो सच में किसी के हाथों में गड्ढा है। अब खुद ही देख लीजिए। वैसे भी इल्यूजन वाले टैटू आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ये है यूक्रेन के एक टैटू आर्टिस्ट जिनका नाम है सांचेज। ये आंखों का हूबहू टैटू बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके टैटू को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये रियल आंखें हैं और ये आंखें कभी भी ब्लिंक कर सकती हैं। हाल के दिनों में सांचेज ने एक टैटू बनाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था रोते हुए आंखों को। ये टैटू पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। सभी ने सांचेज के विजन की बहुत तारीफ की। दोस्तों, क्या आपने कभी लार्ज स्केल टैटू के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि किस तरह का टैटू होता है? आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दरअसल इस टैटू को पूरे शरीर में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अपने पूरे हाथ पे टैटू बनवाना है तो उसे हम लार्ज स्केल टैटू कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर इस टैटू की खासियत क्या है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आपने सोचा है कि शरीर के किसी भी पार्ट पर लार्ज स्केल टैटू बनवाना है तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह के टैटू के लिए डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। अब जरा इस लार्ज स्केल टैटू को ही देख लीजिए, ये कितना शानदार लग रहा है। हालांकि इसे तैयार किया है अमेरिका के एक टैटू डिजाइनर ने।
जेम्स जेमी नाम के मशहूर टैटू डिजाइनर ने इस टैटू के साथ क्या डिटेलिंग की है भाई, वाह मजा आ गया इस शानदार टैटू को देखकर। बैक साइड में बना ये टैटू सबको चौंका देता है। आप जब इस टैटू को देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या जबरदस्त आर्टिस्टिक वर्क है यार, किस तरह से आसमान से लेकर पहाड़, नदी और पेड़ बनाए गए हैं। वैसे भी लार्ज स्केल टैटू जेम्स जेमी की ताकत है, हालांकि आजकल इस तरह के टैटू हमारे देश में भी बनाए जा रहे हैं लेकिन मशीनों की मदद से। दोस्तों अब जरा इस टैटू को भी देख लीजिए, इसे तैयार किया है विनी नाम के इस टैटू आर्टिस्ट ने। ये बहुत ही आर्टिस्टिक टैटू आर्टिस्ट माने जाते हैं, कहां तो यहां तक जाता है कि दुनिया भर में सारे टैटू आर्टिस्ट के बीच में इनकी इमेजिनेशन स्किल की बहुत तारीफ होती है। तभी तो इन्होंने इंसान के बाइसेप्स और फोर आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ये मूविंग चीज तैयार करते हैं। अब खुद ये देख लीजिए जरा, क्या शानदार काम किया है इस आर्टिस्ट ने। जब तक फोर आर्म्स फोल्डेड है एक छोटी सी तितली नजर आती है, लेकिन जैसे ही फोर आर्म्स खुल जाए तो टैटू एक उड़ती हुई तितली नजर आने लगती है। ये देखिए किस तरह से विनी ने तैयार किया ये टैटू। दोस्तों अब जरा इस टैटू को देखिए, ये हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म अवतार मूवी के एक सीन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि भाई ये तो एक स्पेस साइंस है, क्या कलरिंग की गई है, क्या फिनिशिंग की गई है, सब मिलकर प्रोडक्ट ऐसा आया है कि ये टैटू किसी का भी दिल जीत ले। अब बात करते हैं 3D टैटू की। जी हाँ, अब तक तो आपने 3D में बनी फिल्मों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है, दुनिया 3D टैटू तक पहुंच चुकी है। अभी यकीनन आपके मन में सबसे बड़ा यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर 3D टैटू में क्या होता है। दोस्तों 3D टैटू भी लगभग 3D फिल्म की तरह ही होता है। जब भी आप 3D फिल्में देखते हैं तो आपको लगता है ना कि सब चीज आपके आंखों के सामने बिल्कुल आपके आसपास में हो रही है, ठीक उसी तरह 3D टैटू का भी कॉन्सेप्ट है। ये जब आपके शरीर पे बनाया जाता है तो देखकर ऐसा लगता है मानो टैटू मूव कर रहा हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा इनको देख लीजिए, ये दोनों पुर्तगाल के आर्टिस्ट हैं। देखिए जरा कैसे इन्होंने ये 3D टैटू को बनाया है, लेजर लाइट की मदद से क्या टैटू में मूवमेंट को दर्शाया गया है। क्या आपने कभी सोचा था कि ये कभी भी संभव हो पाता, लेकिन इन दोनों ने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। वाह भाई वाह, आर्टिस्टिक वर्क हो तो ऐसा। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टैटू सेंटर्स हैं जहां 3D टैटू को बनाया जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वहां भी इस तरह के टैटू बनाए जाते हैं कि नहीं। दोस्तों आखिर मैं आपको दिखाता हूँ ये सुपर कूल टैटू। ये दो इमेज, एक में आप देख सकते हैं कि इस लड़की ने अपनी पीठ पे एक ऐसा टैटू बनवाया है जिसे देखने के बाद लग रहा है मानो ये टैटू नहीं लड़की के पीठ के पीछे जिप हो। ये देखिए किस तरह से इसको तैयार किया गया है। अब दूसरी तस्वीर को देखते हैं। यहाँ देखिए लड़की ने जो टैटू बनाया है उसे देखकर लगता है मानो कोई लड़की के पीठ को फाड़ कर बाहर निकल रहा हो। सोचिए जरा, ये लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती और आप एक दूसरे के नजदीक आते तो क्या होता आपके साथ। आप भी कह रहे होते ओह कोई देख रहा है। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।